हाय, सो लेट्स डिस्कस द मोस्ट अवेटेड वन नहीं, टू नहीं, थ्री नहीं, टोटल 10 आईएम्स एंड 10 आईएम्स 14 सिलेक्शन क्राइटेरिया. वी आर गोइंग टू डिस्कस आईएम कैप एंड सैप, दैट इज 10 न्यू प्लस बेबी आईएम. और ये ओनली 10 आईएम्स नहीं है, अगर 10 आईएम्स हैं तो 10 सिलेक्शन क्राइटेरिया होनी चाहिए थी. वी आर गोइंग टू डिस्कस 14 सिलेक्शन क्राइटेरिया एंड दिस इज फॉर द एमबीए प्रोग्राम्स. दे आर रनिंग अ लॉट ऑफ पोस्ट लाइक द होटल एंड देन द बिजनेस एनालिटिक्स, बहुत सारे कोर्स हैं. तो मैं जो डिस्कस करने वाला हूं, दिस वन इज अबाउट द पीजीपी और द एमबीए कोर्स. हाउ मेनी आईएम्स? 10 आईएम्स. कौन कौन से हैं डिस्कस करूंगा. व्हाई वी हैव अ 14 क्राइटेरिया, मैं वो भी डिस्कस करूंगा. तो वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल द इनसाइड स्टोरी जो आपके पास आ सकता है ऑन द बेसिस ऑफ आरटीआई, ऑन द बेसिस ऑफ नेटवर्किंग, जो या मैं पता करता हूं क्या नहीं करता हूं. तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बिकॉज ये जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है, मैं कभी बोलता हूं 98% मैं करेक्ट हूंगा, कभी बोलता हूं 96% करेक्ट हूंगा, यहां पे मैं 99% प्लस करेक्ट हूंगा अगर एज पर सब कुछ चलता रहा तो. अगर वो कुछ भी चेंज करेंगे सिलेक्शन क्राइटेरिया इंप्रूव होगा, बट गारंटी ऑफ गेटिंग कॉल्स इज 99%. यहां पे मैं एक बात बता दूं, एंड बिकॉज मैं जो भी बोलता हूं डंके की चोट पे बोलता हूं, ऑनेस्टली बोलता हूं, दिस वीडियो इज ऑल अबाउट गेटिंग कॉल्स. दिस वीडियो इज नॉट ऑल अबाउट गेटिंग कन्वर्ट्स. टू कन्वर्ट आपको वैट पीआई की तैयारी करनी होगी, आप कहीं से भी करना, बट करना जरूर. हो सकता है आप कैट की प्रिपरेशन विदाउट एनी हेल्प ले रहे हो, सिर्फ प्रिपरेशन कर रहे हो, बट फॉर द वैट पीआई आई वुड सजेस्ट टेक द हेल्प, बिकॉज उसमें गाइडेंस बहुत चाहिए, बिकॉज थर्ड पर्सपेक्टिव है. तो थर्ड मैन पर्सपेक्टिव स्टार्ट करते हैं. दिस वीडियो इज चेक आर यू सेफ और नॉट फॉर द वैट पीआई. यहां पे वी हैव नो वैट, कैप में वैट नहीं होता है. एडमिशन क्राइटेरिया 24-26 आई एम गोइंग टू डिस्कस इन द ब्रीफ. कंपोजिट स्कोर कैलकुलेटर इसमें डाला हुआ है, स्टिल इट इज नॉट अ कंपोजिट स्कोर कैलकुलेटर, दिस इज व्हाट द कॉल प्रिडिक्टर. माइसेल्फ हम ये पीपल कॉल मी एमबी और क्वांट गुरु, दिस इज माय कैट और जैट स्कोर. कैट और जैट स्कोर व्हाई दिस वन इज, आई से मेरा ये वो कैट और जैट स्कोर है जब मैं एज ए स्टूडेंट दे रहा था. दिस इज नॉट माई कैट और जैट स्कोर जब मैं एज ए मेंटोर्स बैठता हूं. तो दैट्स व्हाई आई ऑलवेज से एज ए स्टूडेंट, एज ए स्टूडेंट जो प्रेशर होता है वो एज ए मेंटोर कभी फील नहीं कर सकते हैं. बट एनी वे स्टार्ट करते हैं. दिस इज द इंफॉर्मेशन. देखो कैट का स्कोर आ चुका है. आईएम कॉल्स बहुत तेजी से रिलीज होना स्टार्ट होते हैं, एंड जब आपके पास कॉल्स आती है तो समटाइम्स ओनली 15-30 डेज होते हैं प्रिपरेशन करने का. तो स्टार्ट नाउ, इफ यू आर द सेफ, यू फील यू आर द सेफ, स्टार्ट नाउ. यू ज्वाइन सीवी, 150 प्लस मेंटोर्स हैं वी हैव, 1-to-1 पर्सनल गाइडेंस इज द आवर प्राइम मोटिव. जीडी क्लासेस, वैट क्लासेस, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स, सबकी क्लासेस यहां पर लगती है, वैट एनालिसिस होता है, बहुत कुछ वी आर गोइंग टू डिस्कस. And our aim is to convert you all the costs. Last year 98% success rate tha. Description mein link diya hua hai, jao aap wahan se join kar lo. If you are looking for CAT 2024 NST National Scholarship Test, ka registration open ho chuka hai 21st of Jan ko. Ye online offline dono hai, aap ise scan karke register kar sakte ho, ya link description mein NST ka bhi diya hai, aap wahan pe bhi jaake apne aap ko register kar do. 21st Jan ko kab kahan kaise hoga, aapke paas sara information usse pehle aa jayega. एंड जो भी फीस होगी उसमें डेफिनेटली यू कैन अवेल डिस्काउंट. टोटल आप 100% स्कॉलरशिप भी अवेल कर सकते हो. दीज आर द फ्यू हैप्पी फेसेस. अगर मैं रिजल्ट काउंट करना स्टार्ट कर दूं तो रिजल्ट तो दिखता रहेगा, बट मुझे रिजल्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इवन गो टू द वेबसाइट, आप लास्ट ईयर का जब देखना स्टार्ट करो आपको रिजल्ट पेज स्क्रॉल होता रहेगा, बहुत सारे रिजल्ट होते हैं. आई एम गोइंग टू डिस्कस ऑल अबाउट व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ एन आई एम. लुक, we have three types of IIM, old IIMs, जिसको हम बोलते हैं tier 1 IIMs. Then we have tier 2 IIMs, we called it new IIMs. Then तीसरा क्या है, baby IIMs. New IIMs में we have actually 6 IIMs. Sorry, baby old IIMs में actually we have 6 IIMs. एक entrant है IIM Mumbai जो established 1963 में हुआ है, that could be the third IIMs, but IIIMs का इसको जो recognition मिला है 2023 में मिला है, location is the Maharashtra, which is known as NITI. आपके पास, अगर आपके पास 21 आईएम्स राइट नाउ हैं, तो आईएम्स में जाने के लिए आपको कितने इंटरव्यू देने होंगे? 1 इंटरव्यू 2 इंटरव्यू 3 इंटरव्यू 4 इंटरव्यू 5 इंटरव्यू 6 इंटरव्यू 7 इंटरव्यू. ओल्ड आईएम्स अपने इंटरव्यू प्रोसेस को कंडक्ट करवाते हैं, सबका अपना प्रोसेस होता है. मैंने कलकत्ता, अहमदाबाद, बेंगलोर, लखनऊ के कॉल प्रिडिक्टर को रिलीज कर दिया है, विच इज 95% to 98% सिक्योरिटी है कॉल आएगा. इस दोनों को मैं तीनों को मैं बहुत जल्द रिलीज करने वाला हूं. आईएम मुंबई का फॉर्म्स ओपन है, भरने के पहले आप देख लेना कि आप सेफ हो या नहीं हो, बिकॉज अगर आपके पास ज्यादा पैसा है तो आप फिल कर देना, मुझे कोई इशू नहीं है, बट चेक कर लेना आर यू सेफ और नॉट.
अब जब फॉर्म्स फिल करने की बात आती है तो मैं वीडियो बनाता हूं, यू शुड फिल फॉर्म और नॉट, बिकॉज फॉर्म फिल करना इज अ बेसिक क्राइटेरिया. आर वी गेटिंग द चांस ऑफ सिलेक्शन? अगर आपको लगता है कि यू हैव अ चांस ऑफ सिलेक्शन, देन ओनली फिल द फॉर्म, एल्स फॉर्म फिल करने में पैसे, टाइम, उम्मीद सब वेस्ट जाते हैं. तो मैं इस पर वीडियो लेके आ रहा हूं. तो 7 क्राइटेरियाज यहां पे हैं. देन वी हैव आई एम शिलोंग, दिस वन इज द 8 क्राइटेरिया. आई एम रोहतक, 9th ये अपना लेता है. जितने भी येलो दिख रहे हैं, आई एम रांची, रायपुर, त्रिची, काशीपुर, उदयपुर, नागपुर जो अभी नया एंट्री हुआ है, देन बोध गया, सिरमौर, संबलपुर, जम्मू, ये जितने भी दिख रहे हैं इसे हम लोग बोलते हैं कैप, कॉमन एडमिशन प्रोसेस. देन बोध गया एंड जम्मू सैप लाता है, सप्लीमेंट्री एडमिशन प्रोसेस. आई एम सिरमौर उससे भी सैप से भी डेटा लेता है फॉर द गर्ल्स. आई एम संबलपुर का भी अपना एक हिसाब किताब है. तो क्राइटेरिया और आई एम अमृतसर अपना प्रोसेस लेता है, आई एम विशाखापट्टनम अपना प्रोसेस लेता है. तो वी हैव टोटल 7 प्रोसेस ऑफ द ओल्ड आई एम्स, शिलोंग 8th, रोहतक 9th, कैप एंड सैप 10th एंड 11th, कैप और सैप को 10th और 11th देखोगे, अमृतसर इज 12th, विशाखापट्टनम इज 13th. हमें 13th प्रोसेस से जाना होता है. अगर आप 13th प्रोसेस से गुजरोगे तो आप सारे आईएम्स को कवर करोगे, एल्स कवर नहीं करते हो. यहां पे भी एस्टिक मार्क्स है, मैं इसमें भी बात करूंगा कि आखिर ये एस्टिक मार्क्स क्या है. तो हमारे पास प्रोसेस क्या है, न्यू आईएम्स में जाने के लिए यू हैव टू गो फॉर द कैप और सैप. बट कैप में 10 आईएम्स हैं, सैप में 2 आईएम्स प्लस एक्स्ट्रा आईएम्स हैं, तो आपके पास 10 प्लस 2 12 कॉल्स हो गए. आईएम संबलपुर का 2 क्राइटेरिया और है जो बहुत लोगों को नहीं पता है, हम उस 2 क्राइटेरिया को भी आज डिस्कस करेंगे, कॉल्स आने के क्या क्या है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. दिस इज स्मॉल इन्फॉर्मेशन जो आपको पता होना चाहिए. हर एक ईयर कैट का कन्वीनर चेंज होता है. कन्वीनर इज अ बॉडी जो कैट को कन्वे करता है, कैट को प्लान करता है, कैट को कंडक्ट करवाता है, वो एक मैनेजमेंट का टॉप होता है. इस बार आई एम लखनऊ था, दिस टाइम वी हैव 10 आईएम्स. ये भी बहुत लोगों को नहीं पता है, लोगों को पता है कि कैट में 9 आईएम्स है, बट आई एम नागपुर एक नया एड हुआ है. पहले ये इंडिविजुअल अपना प्रोसेस करता था, अब ये नया आईएम हुआ है. तो 10 आईएम्स, अगर आप कैट प्रोसेस में जाते हो इंटरव्यू को अच्छे से फोड़ना, बिकॉज 10 आईएम्स में एक ही साथ कॉल्स आना स्टार्ट होता है कि कन्वर्टेड 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 कन्वर्टेड, तो आपके बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं. और इस बार आई एम काशीपुर इस प्रोसेस को कंडक्ट करवा रहा है, मतलब इंटरव्यू कैसे कंडक्ट करनी है, इंटरव्यू में शेड्यूल्ड क्या होना है, कौन से प्रोफेसर कौन से इंटरव्यू लेगी, ये आई एम काशीपुर डिसाइड कर रहा है और वो कन्वीनर है. और कैप में प्रोसेस ऑनलाइन होता है, इसे याद रखना, ऑफलाइन नहीं होती है. कैप में वैट नहीं होता है, ओनली पर्सनल इंटरव्यू होता है. तो इफ यू आर प्लानिंग टू गो फॉर द कैप, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि आप एक ऐसे इंटरव्यू में जाना चाहते हो जहां जीके को बहुत ज्यादा वेटेज दिया जाता है. दीज आर द बेसिक कट ऑफ, 70, 70, 70, 92, ये कैप के जनरल के कट ऑफ हैं. दिस वन इज द ईडब्ल्यूएस कट ऑफ, एनसीओबीसी, एससी, एसटी, डैप का, डैप मींस पीडब्ल्यूडी का कट ऑफ है. जनरली कट ऑफ ये फिक्स होते हैं, मैंने इसी कट ऑफ के बेसिस पे सब कुछ बात करने स्टार्ट की है. By chance, अगर कभी भी किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे कट ऑफ वो चेंज करते हैं, वी यू विल गेट टू नो कि कट ऑफ चेंज हुआ है, विल अपडेट दी सीट, बट चांसेस बहुत कम है कि कट ऑफ वो चेंज करेंगे. देन सिलेक्शन क्राइटेरिया, प्रिपेयरिंग द मेरिट लिस्ट. इनका सिलेक्शन क्राइटेरिया बड़ा सिंपल सा होता है कि आप आयो, अगर आपने अपने कैट फॉर्म में मुझे सिलेक्ट किया है तो आप मेरे लिए एलिजिबल हो. अगर आपने कैट फॉर्म में मुझे सिलेक्ट नहीं किया है तो आप मेरे लिए एलिजिबल नहीं हो. तो कैट का ये बहुत सिलेक्शन बहुत सिंपल सा क्राइटेरिया है कि कैट के फॉर्म में मुझे आपको यस करना होगा. सर मैंने कैट के फॉर्म में यस नहीं किया तो क्या मैं अभी कैप के लिए एलिजिबल हूं? अगर आपने कैप के किसी भी कॉलेज को यस किया है तो कैप लॉगिन आपको लॉगिन करने देगा. मैं बोल क्या रहा हूं आपको धीरे समझ में आएगा, क्योंकि बहुत सारी बातें टाइम के साथ समझ में आती है कि आखिर हो क्या रहा है. तो कैट फॉर्म में इफ यू हैव टिक यस टू द कैप कॉल्स तो आपको कैप के उस कॉलेज में बैठ मतलब उस कॉलेज को कंसिडर करने का मौका मिलता है, एल्स नहीं मिलता है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड अगर आपका कट ऑफ क्लियर होता है कैप का, तो अगर आपका ये कट ऑफ क्लियर है तो आपको कॉल्स आने के चांसेस 99.99% है. देन कैप के बाद जो हमारा होता है आई एम बोध गया और आई एम जम्मू का अपना लिस्ट चलना स्टार्ट हो जाता है. तो आई एम बोध गया एंड आई एम जम्मू का जो ये लिस्ट है, यहां देखो ये जो इनका चलता है वो क्या हो रहा है, वी हैव 70, 70, 70 फॉर द एंड 92 फॉर द जनरल. इन्होंने जनरल को भी बांट दिया है मेल एंड फीमेल, 65, 65, 65, 90 एंड 87.
दिस इज द कैप प्रोसेस, ये जम्मू और बोधगया का है, बट संबलपुर ने अपना एक प्रोसेस निकाल दिया कि अगर आप गर्ल्स हो और जनरल हो तो मैं आपको 65 और 87 पे ही बुला लूंगा। मैं आपको किसमें बुला लूंगा, मैं आपको, ये संबलपुर का है, मैं आपको 80 पे ही बुला लूंगा अगर आप जनरल हो, अगर आप जनरल हो और फीमेल हो। दिस इज फॉर द संबलपुर जनरल प्लस फीमेल, मैं 80 बुलाऊंगा। अगर आप जनरल हो और 12 मंथ से ज्यादा का वर्क एक्स है तो भी मैं आपको 80 बुलाऊंगा। 65 65 65 एंड 80। तो वी हैव फोर टाइप ऑफ सिलेक्शन क्राइटेरिया। फर्स्ट सिलेक्शन क्राइटेरिया इज द कैप राउंड। फर्स्ट क्या है, हमारा कैप राउंड है। देन हमारे पास क्या है, सैप राउंड है, मेल फीमेल। देन हमारे पास क्या है, हमारे पास है आई एम संबलपुर के दो अलग क्राइटेरिया। तो टोटल फोर क्राइटेरियाज हैं क्या। अब इस क्राइटेरियाज को आपको समझना बहुत मुश्किल होगा, डोंट वरी, कैलकुलेटर में वो सारा कुछ डाला हुआ है, आप डेटा फीड करोगे वो आपको बता देगा सेफ है, कॉल है, पास हो फेल हो सब कुछ बता देगा। तो हम लोग आगे चलते हैं, बढ़ते हैं। तो ये जो आपके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप लोग उस पर क्लिक करोगे तो वो आपको डायरेक्ट आई एम कैप के वेबसाइट, मतलब ब्लॉग पे लेके जाएगा। अभी मैं जब टिक करूंगा तो हम लोग जाते हैं एजुकेशन का, जो हम लोग का मदर बैकग्राउंड है और ये कुछ द मेन आपका लॉग इन वेबसाइट है और द वेबसाइट, हम वहां पे आते हैं। तो आप जब क्लिक करोगे तो अगर आप कभी देखना चाहते हो सिलेक्शन क्राइटेरिया MBA एंड द कॉल प्रिंटर पे चले जाओ। देन यहां से आपको देखा जाएगा कि किस किस कॉल्स को मैंने रिलीज किया है। देन आई एम कैप जो मैं रिलीज कर रहा हूं, आप इसी ब्लॉग पे डायरेक्ट गो थ्रू हो गए अगर आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उस पर क्लिक करते हो। तो मैं ब्लॉग पे आता हूं, ब्लॉग में यू हैव अ क्राइटेरिया। आप टेबल ऑफ कंटेंट को डायरेक्ट ओपन करके भी देख सकते हो कि क्या है क्या नहीं है, व्हाट इज अ कैप प्रोसेस, यू कैन रीड इफ यू वांट। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, बहुत कुछ वहां पे अपडेट होता है अगर आप कुछ भी मिस कर जाओ तो। आई एम काशीपुर इस बार कंडक्ट कर रहा है, यू कैन फॉलो अस ऑन द इंस्टाग्राम। कैप में है कौन कौन, बोधगया, जम्मू, काशीपुर, रायपुर, रांची, संबलपुर, सिरमौर, त्रिची, उदयपुर एंड नागपुर जो है ये डिब्यू कर रहा है और री एंट्री कर रहा है। यू कैन ज्वाइन द कोर्सेज, आप क्लिक करोगे, अभी आपका वैट ओपन है, वैट पे सेवी का और कैट 2024 के लिए मैं बोलूंगा आप NST दे दो, डेफिनेटली आपको कुछ फायदा होगा। शॉर्टलिस्टिंग ऑफ द कैंडिडेट्स, ये आपका कैट का परसेंटाइल है, अगर आपके मार्क्स इससे ज्यादा है तो डेफिनेटली आपको कॉल आने वाली है। एंड मिनिमम कैट परसेंटाइल फॉर द आई एम कैप इंटरव्यू, वो ये क्या है आपका सैप का है। देन हाउ टू यूज कैलकुलेटर, इस वीडियो को अगर इस पर क्लिक करो तो ओपन हो जाएगा, बट हमें करना क्या है, हमें नीचे आना है। बेस्ड ऑन द RTI 99% सक्सेस रेट है, आप CV ज्वाइन कर सकते हो। एंड अगर आप सेफ हो, मैं वो बता रहा हूं, किसी भी कॉलेज में अगर आप सेफ हो, अगर आपको लगता है कि आप सेफ हो, यू शुड स्टार्ट प्रिपरेशन, टाइम बहुत कम है। मैं आपको बता रहा हूं, आपको पढ़ना बहुत ज्यादा है, आपको प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी है, आपको गलतियां बहुत ज्यादा होनी है, उस गलतियों को रेक्टिफाई करने का टाइम बहुत कम है। बॉटम में आते हैं, क्लिक हियर टू डाउनलोड स्कोर कैलकुलेटर, या ये जो सर्कल है किसी भी ब्लॉग में, ये जो सर्कल बनेगा आप इस पे जब क्लिक करोगे, सिंस हमारा एक्सेल धीरे धीरे हैवी हो रहा है तो टाइम लेगा, वो डाउनलोड हो जाएगा। इस एक्सेल को एक छोटा सा, बिकॉज एक्सेल मैंने ऑफिस 365 में बनाया है, अगर आपके पास ऑफिस पायरेटेड है तो शायद ये एक्सेल उस पर खुले नहीं, जस्ट नीड टू एनेबल एडिटिंग। आपके पास होगा क्या, वो एक्सेल उसमें खुलेगा नहीं। अगर एक्सेल नहीं खुलता है, एक्सेल ब्लॉक हो रहा है, तो आप किसी और को बोरो कर सकते हो, वहां से देख सकते हो कि कैसे क्या चल रहा है, या आप हमारी टीम के पास नंबर भेज दीजिए, वहां से होगा। ओके कर देना, आपका ये खुल जाएगा। उसके बाद आप डेटा फिल करना, सिंस मैं मान रहा हूं ये कैप का डेटा है तो मैं डेटा फिल करता हूं। सो द स्कोर इज 14, रॉ स्कोर इज 13.289। मैं रैंडम डेटा फिल कर रहा हूं, आप ये मत बोलना कि सर इतने मार्क्स में इतने परसेंटाइल कैसे बन रहे हैं। अब आप डेटा ओनली येलो फिल कर सकते हो, से दिस वन इज 80%, दिस वन इज 80%, दिस वन इज 70% एंड टोटल ओवरऑल इज 95%। आपने डेटा फिट कर दिया, जो भी परसेंटाइल है, इवन आपकी परसेंटाइल कम है, डेटा फिट करो। इफ यू आर द CBSE 80 marks एंड द 12th CBSE 80 marks, जो भी डेटा होगा आप उसको फिल करना। यू आर फ्रॉम द साइंस, बिकॉज पूरा कैलकुलेटर इस सारे डेटा के साथ यूज कर रहा है, 70 marks यहां पे आ रहे हैं। देन वी आर गोइंग टू से वी आर मेल, देन कैटेगरी इज ओपन, देन वर्क एक्स इज से द 12 month एंड फॉर द IIM अहमदाबाद आप AC4 हो, जस्ट फॉर अ सेक मैं मानता हूं आप AC4 हो, अगर ये IIM अहमदाबाद को देख रहे हो,
नीचे कुछ भी नहीं भरना है, गो टू एक्सपेक्टेड कॉल्स, आप चले जाओ एक्सपेक्टेड कॉल्स पे। आप जैसे ही एक्सपेक्टेड कॉल्स पे आते हो आपको यहां पे दिखना स्टार्ट होता है फॉर दी आई एम अहमदाबाद, आपको मुझसे डिस्कस करना होगा बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ हिडन स्टोरीज, बहुत सारे डेटा जो होते हैं जिसको एक्सेल पे एनालाइज करना बहुत मुश्किल है। नो कॉल नो कॉल, बट व्हेन यू कम टू द कैप एंड सैप यू हैव आई एम काशीपुर यू हैव अ कॉल स्टार्ट वैट पीआई, बहुत इंपॉर्टेंट है। आई एम रायपुर कॉल सेफ सेफ सेफ, यू आर सेफ अगर वो परसेंटाइल डालते हो तो। इवन आई एम बोधगया सैप के लिए भी आप सेफ हो, बट अगर आप कैप के लिए सेफ हो तो बोधगया का काम नहीं है। दीज आर द एक्स्ट्रा फीचर्स, ये जो चार एक्स्ट्रा कॉल है, आई एम बोधगया सैप, आई एम जम्मू सैप, आई एम संबलपुर जेन और फीमेल के लिए, आई एम संबलपुर जेन प्लस वर्कएक्स के लिए, आप सेफ हो डेफिनेटली। अगर आपके पास ये सेफ दिखा रहा है तो आई वुड से ज्वाइन वैट पीआई। वो जो 10 मिनट 15 मिनट की जो फाइट होती है ना, उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि नहीं मैं अच्छा नहीं कर पाया, आई कैन डू बेटर। यू डोंट हैव अ टाइम टू रियलाइज यू कैन डू बेटर, डू बेटर, स्टार्ट अभी से प्रिपरेशन करो, देखो क्या है क्या नहीं है, देन इफ यू वॉन्ट टू ज्वाइन। मैं ये प्रॉमिस से बोलता हूं 200% श्योर, कॉल प्रोड्यूक्टर में मैं 99% श्योर होता हूं, 98% 200% श्योर यू आर गोइंग टू गेट वन टू वन मेंटरशिप, द बेस्ट मेंटरशिप। कोई भी डाउट होगा मैं आपके हाथ खड़ा रहता हूं। सीवी के 8 years 9th years हो गए, 8 साल में किसी से भी पूछ लो, द नेटवर्किंग आई बिल्ड विद माई स्टूडेंट, द कमिटमेंट वी गिव एंड द कमिटमेंट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम यू इज इनफाइनाइट ऑफ लेवल। वो लेवल जो है ना इनफाइनाइट होता है, क्योंकि हम बेस्ट देना चाहते हैं एंड दिस इज वॉट आई प्रॉमिस कि हमें बेस्ट देना है। आई एम गोइंग टू शेयर सीवी डिटेल इन कमिंग डेज, 150 मेंटर्स का भी प्रोफाइल आपके साथ शेयर होगा विद द एनोनिमिटी, हम सब कुछ डिस्कस करेंगे। एंड इफ यू आर प्लानिंग टू गो फॉर द कैट 2024, डेफिनेटली एनएसटी में पार्टिसिपेट करना, अपना बेस्ट देना, क्योंकि इवन अगर क्लासेस भी होंगी तो उसमें भी वी ट्राई टू गिव, नॉट ट्राई टू गिव, वी ऑलवेज गिव द बेस्ट, बी क्वांट एलआरडीआई एंड द क्वांट एंड द वीआरसी एंड वी हैव अ ग्रेट पूल ऑफ फैकल्टीज। ऐसा नहीं है कि ओनली 2-3 लोग ही आपको पढ़ाते रहेंगे, यू विल गेट अ डिफरेंट माइंडसेट, यू विल गेट डिफरेंट क्राइटेरिया, जिससे आपको बहुत सारी लर्निंग सीखने को मिलेगी। आई एम कमिंग विथ मोर सिलेक्शन क्राइटेरियाज, आपके कोई भी डाउट हो तो आप अपडेट कर देना एंड अपना बेस्ट देने की कोशिश करना। आपकी जो सिचुएशन है उसके लिए किसी और को ब्लेम नहीं करना है, हमारी जो सिचुएशन है हमें उसे बेटर बनाना है, उसे आगे बढ़ना है। तो अब हम फोकस करेंगे वैट पीआई पे, अपना बेस्ट देंगे एंड साथ में जैट है, जैट में भी बेस्ट देने की कोशिश करेंगे। मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग एंड बाय बाय।